दोस्तों अगर आप भी आईपीएल शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब बस कुछ ही दिनों में आपका इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि आईपीएल 2022 शुरू होने में बस महज 3 ही दिन बचे हुए हैं। आईपीएल 2022 26 मार्च से शुरू हो जाएगा और इस आईपीएल में पहला मुकाबला ही चेन्नई सुपर किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच में है और इस मुकाबले से पहले ही भारतीय दिग्गजों ने बड़े खुलासे कर दिए हैं और हम आपको इस वीडियो में ये तो बताएंगे ही कि भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर, कपिल देव और वीरेंद्र सहवाग ने चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेले आने वाले मुकाबले से पहले अपने क्या क्या बयान जारी किए। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में से बेहतरीन टीम कौन सी है, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच में आईपीएल का पहला ही मुकाबला खेला जाएगा और यह मुकाबला 26 मार्च को 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मुकाबले में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि इस स्टेडियम की बाउंड्री बहुत ही छोटी है और इसका मतलब हमें इस मुकाबले में चौके और छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि इस मैच से पहले भारतीय दिग्गजों ने अपने क्या क्या बयान जारी किए हैं। दोस्तों सबसे पहले भारत के दिग्गज सुनील गावस्कर ने इस मैच से पहले अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के टीम के सभी बल्लेबाज बहुत ही शानदार हैं और महेंद्र सिंह धोनी उन्हें बहुत ही अच्छे से लीड करते हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस साल आईपीएल की सबसे मजबूत टीम चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है और इस मुकाबले में भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जीतने वाली है। इसके बाद दोस्तों भारतीय क्रिकेट के पूर्व विश्व विजेता कप्तान और महान ऑलराउंडर कपिल देव ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच में मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला और इस मुकाबले में यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को हर बार हरा रखा है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी इस आईपीएल में मजबूत टीम है क्योंकि उनके पास श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण जैसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि अपनी शानदार बल्लेबाजी से चेन्नई सुपर किंग्स के टीम के गेंदबाजों को ध्वस्त कर सकते हैं और मैच को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम के कोच और भारत के पूर्व महान बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी इस मैच से पहले अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि इस बात में कोई दो राय नहीं आएगी कि महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सबसे अच्छे कप्तान हैं और उन्होंने कई बार ये सिद्ध भी करके दिखाया है क्योंकि उनकी कप्तानी के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। परंतु मुझे नहीं लगता कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम केकेआर के खिलाफ इस मुकाबले में जीत दर्ज कर पाएगी क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बहुत ही मजबूत टीम है और वो लगातार प्रैक्टिस सेशन में जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के पास में सुनील नारायण और आंद्रे रसेल जैसे शानदार ऑलराउंडर भी हैं जो पहले तो अपने बल्ले से तूफान मचाते हैं और बाद में गेंदबाजी भी बहुत ही कमाल की करते हैं और विपक्षी टीम को पूरी तरह से समेट देते हैं। दोस्तों ये थे भारतीय दिग्गजों के आईपीएल के पहले मुकाबले से पहले बयान। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम सच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को पहले मुकाबले में हरा पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।